बीच में बाप बेटे का रिश्ता था, तब तक मैंने सर चुका कि आपका हर हुक्म माना है। लेकिन आज नहीं, बहुत शौक है ना आपको सच सुनने का। आज मैं आपको बहुत बड़ा सच बताता हूं। ये मैं नहीं हूं, ये एक कैदी लक्ष्य जिसे आपने अपनी जेल के कपड़े पहना के खड़ा किया है। ये लक्ष्य नहीं, लकी है जिसे बाहर घूमना, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना पसंद है। और इसे आवारा गर्दी नहीं कहते, आजादी कहते हैं। आजादी ये घर नहीं, जेल है। और यहाँ का हर एक सदस्य कैदी है और आप है यहाँ के जेलर। जिसे आपने उम्र कैद की सजा दी है, जिसे आपकी हर मनमानी सहनी पड़ती है, वरना आप उसे घर से बाहर निकाल देंगे जैसे मुझे निकाला था। लोग तो इस घर में सांस भी आपकी मर्जी से लेते हैं। और सच कहूं तो लोग यहां जी नहीं रहे, घुट रहे हैं आपके साथ। तुम्हें ऐसा लगता होगा। अच्छा तो पूछिए अपने बड़े बेटे से, जिसने आपके डर की वजह से कॉमर्स ली, साइंस नहीं। लक्ष्य स्टॉप इट। वही तो कर रहा हूं भैया, आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट। इनकी डिक्टेटरशिप पे फुल स्टॉप लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पूछिए, आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन आपने जबरदस्ती उसे कॉमर्स पढ़ाई ताकि वो आपकी तरह कबाड़ का बिजनेस कर सके। ओ सॉरी, बुरा लगा ना अपने नाम के आगे कबाड़ी सुन के, क्योंकि वो आपके लिए कबाड़ नहीं, स्क्रैप डीलिंग है। लक्ष्य चुप रहो। नो भाई, आज बड़ी मुश्किल से मुझे ये किसी से हिम्मत मिली, आज मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। और ये आपकी बड़ी बहू, जिसे आप अपने बेटे की बीवी नहीं बल्कि दहेज की टिकट बना के इस घर में लाए थे। आपको एक अच्छी बहू नहीं चाहिए थी बल्कि उनके डैड की 100 acres की जमीन चाहिए थी। सॉरी भाभी, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, पर जो सच है वो सच है और सच को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लाश, हुआ क्या है तुझे? तो क्यों ऐसी बातें कर रहा है? माँ, आज पहली बार सच बोलना सीखा है। माँ, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से ये फैमिली फोटो कंप्लीट नहीं है। यहाँ एक और फोटो भी थी।
मेरे भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड संस्कार। जो आपका भतीजा और मेरे चाचा चाची का एक लौता बेटा था। क्या गलती थी उसकी? एक छोटी सी तो विश थी, आप उसे तक पूरा नहीं कर पाए और उसका वो हाल कर दिया, वो हाल कर दिया। बेचारा हम सब से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। उसने सुसाइड नहीं किया था, आपने मारा था उसे। खुनी हो आप, खुनी, खुनी। वो सब आपकी वजह से हुआ था, आपकी वजह से। लाश, बस क्या कर रहे तू? क्या हुआ तुझे? क्यों इतना जहर उगल रहा है तू? सही कहा माँ आपने, एकदम सही कहा। ये जहर ही तो है जो इतने सालों से इन्होंने मेरे अंदर भर रखा था। आज जब सब निकल गया तो शायद मैं एक रोबोट से इंसान बन पाऊं। ये सब बातें मैं आज तक इसलिए नहीं बोल पाया कि मुझे ऐश्वर्य आराम की जिंदगी छिन जाने का डर था, लेकिन आज इनका असली चेहरा देखने के बाद मैं इस घर में रुका भी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज इन्होंने एक बहुत अच्छा सबक सिखाया है कि कभी सच मत बोलो। सच बोलने से ऐसे समाज के ठेकेदार आके आपका मुंह काला कर देंगे। बस मां, अब मैं यहां और नहीं रह पाऊंगा। मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। आज के बाद मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। लक्ष्य अन्नपूर्णा, आज तुम्हारे बेटे ने सारी हदें पार कर दी हैं। तुमने एक कदम भी अगर उसकी तरफ बढ़ाया तो हम अपने सारे रिश्ते तुमसे खत्म कर देंगे।
वाह, आज मैंने जो कुछ भी किया, ये धमकी देख के आपने साबित कर दिया कि मेरा डिसीजन गलत नहीं है। मिस्टर महेश्वरी, अभी भी सबक ले लीजिए। रिश्तों को प्यार से निभाया जाता है, धमकियों से नहीं। वरना मेरी तरह ये सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। नमस्ते। श्योर हो क्या? रागिनी प्लीज, तू भी तो मेरी दीदा से बात करने गई थी ना। और स्वरा, तुम्हें नहीं पता हमारी दादी माँ तुम्हारी नानी से बहुत ज्यादा डेंजरस है। ओ प्लीज, दोनों इक्वल है, मेरी दीदा को अंडर एस्टिमेट मत कर। डोंट वरी, आई विल मैनेज। मुझे जाकर एक बार बात तो करने थे। सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दादी, दादाजी, दादाजी।
दादी, दादी मैं शोना, मतलब स्वरा। तू अठेके कर रही है छोरी, भाग यहाँ से। दादी दरवाजा खोलिए ना। इन्हें तो दिया नहीं चैन से, अब मरने भी ना देगी। मरने? क्या कह रही है दादी आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ। तो हमें मना करने की कोई हक भी ना है। तुम दोनों की वजह से तो हम पहले ही समाज से बहिष्कार हो चुके हैं। अब जी के करें? दादाजी नहीं, आपके सामने हाथ जोड़ते, प्लीज उतर जाइए दादाजी। दादाजी कुछ हो जाइए। दादाजी, दादी। माँ, बाबूजी। दादी माँ प्लीज, दादाजी नहीं। दरवाजा खोलिए माँ। माँ ये परेशानियों का ये कैसा हल हुआ? दरवाजा खोलिए प्लीज। यही हल है इस बात का, समझा तू शेखर? मारे मरने के बाद खुल के आराम से रही हो वहां बंगालन के साथ। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं, बस फालतू का तमाशा कर रहे हैं ये लोग। दादी माँ, दादाजी अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे प्लीज। ए भगवान, ए मारवाड़न खुदकुशी करछे। दरवाजा खोलिए माँ। तू चाहता है ना कि हम ये सब ना करें, तो थारे को एक वादा करना पड़ेगा हमारे से। वादा कर, तू कभी भी बंगलन से शादी ना करेगा। उसका नाम तक ना लेगा इस घर में। पार्वती, तू अठेके कर रही है बंगालन। पार्वती देख, पिछले 20 साल से तू और मैं ना बिल्ली का तरह झगड़ा कर रही थी, लेकिन है तो पड़ोसी ना। देख आज झगड़ा करने के लिए नहीं, कुछ बताते हो तुझको, वो जो रस्सी तू लिया है ना वो बहुत कमजोर है रे। तू तो है वो मोटा भैंसा की तरह, ठीक मेरी जैसा। हाँ, और रस्सी से ना तू नहीं मरेगा, वो पंखा गिर जाएगा। तू एक काम कर, चुप ले, ले दीदा तेरे लिए रस्सी लाई हूँ मैं, ये रस्सी ले, चले जा चले जा। हाँ बंगालन चुप। हाँ प्लीज, क्यों ये सब कर रही हो? क्या कर रही हो ये सब? रागिनी, रागिनी जी बाबा, जल्दी से कुछ पेच कसी हाथ उड़ा लेगा, जल्दी जा जल्दी जा। ए मारे वाला की होलो, रस्सी लो, झूले जा झूले जा झूले जा। क्यों मारे बाद थारे को लटकना इससे? दादी पापा, पापा। आई बाप रे बाप, मैं क्यों मरूंगी रे? मरे मेरा दुश्मन जैसे तू वो
मेरा लड़की शोमी और तेरा वो यूजलेस लड़का, वो को भी ना शादी होगा उसका। वा? चलिए जी। हाँ, चल। कहाँ रे नरक? अरे नरक जाने से तो पहले मरना होगा। नरक में तो मैं भेजूंगी थारे को। बड़ा शौक है ना जीने का, ऐसा कांड करके जाऊंगी बंगालन कि थारी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी, समझी? सुनिए जी, मारे को मरने से पहले एक चिट्ठी लिखनी है, और वह चिट्ठी में लिखना है कि मारी खुदकुशी की जिम्मेदारी आप बंगालन है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.